इसका दिया था, विश्वास प्रस्ताव का पत्र दिया था खंड विकास कार्यालय में, वो पीछे दिया था हमने। फिर उसके ऊपर गौर नहीं हुआ, फिर गार गांव की सारी जनता वहाँ गई, कोई 300-400 आदमी वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ पर वीडियो साहब मिले नहीं। फिर हम वहीं डटे रहे, हमने कहा जब तक आप बात नहीं करेंगे हम तब तक नहीं जाएंगे। तो वीडियो साहब शाम को 4 बजे वहाँ आए, 4 बजे तक हमने इंतज़ार किया, हमने कहा आप हमें डेट दीजिए, हम बार बार नहीं आपके चक्कर काटेंगे। तो वीडियो साहब ने कहा कि मैं 1-2 दिन में डेट फिक्स कर लूँगा। तो उन्होंने जो है 19 जून आज की डेट निश्चित की थी, लेकिन हम इस डेट का इंतज़ार करते रहे। और कल हमने मालूम हुआ कि भाई वहाँ पर पंचायत घर के पास जो है नोटिस लगा दिया गया कि आपकी ग्राम सभा स्थगित है। तो मैंने PI को भी फ़ोन किया, मैंने कहा जी आपने कैसे किया, आपने डेट दिया और आप ही कैंसिल कर रहे हैं। बोला हमारे को ऊपर से ऑर्डर है। मैं कहा ऊपर किससे ऑर्डर है आपको, वो दिखाओ ना, वो ऊपर से जिसके ऑर्डर है, चाहे आपको किसी के भी ऑर्डर होंगे वो बताओ। लेकिन वो नहीं बता पाए, ठीक है। फिर हम तो सुबह पूरे 11 बजे का समय दिया था, हम 11 बजे वहाँ पहुँचे सारे लोग और इंतजार करते रहे 1:30 बजे तक। वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया, ना ही कोई उनका कर्मचारी आया, एक पंचायत सचिव था उसका तो कोई काम था नहीं। तो हम पूरा वहाँ देखते रहे लेकिन कोई नहीं आया। तो हमने उचित समझा कि हम जाके जो है या जिलाधीश महोदय को इस बारे में अवगत कराएंगे या ADM साहब होंगे। तो हमने जो है इसका ज्ञापन इनको दिया है। जहाँ तक है कोई दूसरे इशू, वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है हमारे साथ, हमने उनसे भी बात की, वो भी थे वहाँ, दूसरे लोग भी, प्रधान भी वहाँ था। हमने कहा आपने कहा कि भाई ये लोग जो है फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हैं, ना कहा ये जो 400 लोग 500 लोग नजर आ रहे हैं आपको ये फर्जी है, जो आप लोग दूसरी पंचायत के लोगों को लेके वहाँ गए थे 40-50 लोगों को 100 साइन करा के, वो आप दिखाओ मार को कागज, हम उसमें देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो दूसरी पंचायत के, उनका कोई राइट नहीं है वहाँ पर। तो ये हमारी समस्या थी, हम इस बारे में मिले हैं BDO साहब से और आज तक जनता है, जनता का कोई भी काम जो है इन 3.5 सालों में नहीं हुआ, उल्टा जो है प्रधान दखल अंदाजी कर रहा है। हमारा सड़क का इशू था, उसमें बार बार हर एक को दबाव डाल रहा है कि आप मत जाओ, आप डिमार्केशन मत करो, आप पुलिस वाले मत जाओ, ये बंद रहने दो। तो जनता, फिर आपको पता है जनता का रूप क्या होगा।